उत्तर प्रदेश और असम समेत भारत के कई राज्यों में एक बार फिर से तूफान और बारिश ने जमकर कहर बरपाया। सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला, जहां आंधी तूफान की वजह से 10 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा कहर मथुरा में देखने को मिला, जहां 4 लोगों के मरने की खबर है। वहीं मथुरा में 3 लोगों को आंधी ने निगल लिया। इसके अलावा कानपुर, अलीगढ़ और फिरोजपुर में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। आगरा, मेरठ, हाथरस, शाहजहांपुर में भी आंधी और पानी ने बहुत नुकसान पहुंचाया। बुलंदशहर में तेज हवाओं के साथ ओले गिरे। हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर संभव मदद देने का आदेश दिया है। यूपी के अलावा हरियाणा में भी मौसम ने अपना मिजाज बदला। रोहतक में भारी बारिश और ओले गिरे, वहीं भिवाड़ी में भी ओले गिरने से पारा नीचे आ गया। झज्जर में पानी की वजह से सैकड़ों क्विंटल गेहूं गीला हो गया। पिछले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का असर अब भारत चीन सरहद पर देखने को मिलने लगा है। सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं की मुलाकात के बाद भारत चीन सीमा पर चीनी सुरक्षा बलों के घुसपैठ में कमी आई है। दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने सीमा पर अपनी गश्त को काफी कम कर दिया है। थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ने सबसे बड़ा युद्धाभ्यास विजय प्रहार किया। 20,000 सैनिकों ने विजय प्रहार में हिस्सा लिया। इस युद्धाभ्यास में अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया गया, साथ ही वायु और जमीनी सेना के संयुक्त ऑपरेशन में लड़ाकू विमान, टैंक, तोपों का इस्तेमाल किया गया। बिजनौर में पूजा स्थल से प्रशासन के लाउड स्पीकर हटाए जाने से विवाद खड़ा हो गया है। लोगों ने प्रशासन पर एक पक्षीय कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए गांव से अपने सामान सहित पलायन शुरू कर दिया। हालांकि पुलिस किसी भी तरह के पलायन से इनकार कर रही है। अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू की सभा में सांड घुसने से हड़कंप मच गया। सांड के घुसने से अफरा तफरी का माहौल फैल गया, जिसमें कई मीडिया कर्मी घायल हो गए। रेवेन्यू के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट ने भारतीय ई रिटेल दिग्गज फ्लिपकार्ट को खरीद लिया है। इस डील को दोनों कंपनियों ने 1,07,200 करोड़ पर तय किया है। फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल ने कंपनी में अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे चलमेश्वर ने अपने विदाई समारोह का निमंत्रण ठुकरा दिया है। चलमेश्वर के रिटायर होने के अवसर पर उनके सम्मान में 18 मई को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए उनको निमंत्रण दिया गया था। हालांकि जस्टिस चलमेश्वर ने निजी कारणों का हवाला देते हुए इसको अस्वीकार कर दिया। सीबीआई ने भारतीय सेना में भर्ती घोटाले के मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला 2016 का है। इस एफआईआर में कुल 41 संदिग्धों के नाम को शामिल किया गया है। इसमें से 34 लोग वो हैं जो भारतीय सेना की टेक्निकल, मेडिकल और जनरल ब्रांच में इस समय बतौर सैनिक तैनात हैं। कर्नाटक में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में आज हर पार्टी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। 12 मई को कर्नाटक में 224 सीटों के लिए मतदान होगा। बीजेपी ने भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी तरह से कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां ऐप के जरिए लोगों से मुखातिब होंगे, वहीं आज एससी एसटी और ओबीसी को संबोधित करेंगे। बीजेपी के 38 केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पार्टी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। सिद्धारमैया की बादामी सीट से अमित शाह का रोड शो होगा। वहीं योगी आदित्यनाथ की एक के बाद एक रैलियों का आयोजन किया गया है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 10 बजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद राहुल की रैलियां होंगी। वोटर आईडी विवाद में आज चुनाव आयोग की रिपोर्ट आ सकती है। मंगलवार को एक फ्लैट से करीब 10,000 वोटर आईडी मिले थे, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा हुआ था। बीजेपी ने राजराजेश्वरी नगर का चुनाव रद्द करने की मांग की है। गुरुवार को तटीय कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में दिखाई दिए। अकोला में रोड शो करने के बाद राहुल गांधी ने हाईवे के किनारे एक ढाबे पर चाय बिस्किट के बाद आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर राहुल गांधी की हामी ने सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने 2019 में राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवार बनने की वकालत की है। वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का समर्थन किया है। देवगौड़ा को लुभाने में जुटी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है।
पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा ने बीजेपी को अपना दुश्मन नंबर वन बताया है। आज तक से बातचीत में देवगौड़ा ने साफ कर दिया कि उन्हें कांग्रेस के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं है। घाटी में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार को अटल बिहारी वाजपेयी के फॉर्मूले पर काम करने की नसीहत दी है। महबूबा ने कहा कि ईद और अमरनाथ यात्रा के दौरान सीज फायर लागू होना चाहिए ताकि शांतिपूर्वक तरीके से आयोजन हो सके। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की मेहंदी की रस्म पूरी हुई, वहीं बेटे की शादी के लिए आज लालू के पैरोल पर फैसला आ सकता है। जबलपुर में एक पॉलिटेक्निक की छात्रा ने 8वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। छात्रा घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकली थी, जिसके बाद वो एक अपार्टमेंट की छत से कूद गई। आत्महत्या की वजह ब्लू व्हेल खेल को बताया जा रहा है। छपरा में एक गाड़ी नील गाय से टकरा गई। टक्कर के बाद नील गाय गाड़ी का शीशा तोड़कर अंदर फंस गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर निकाला गया। चेन्नई में गलतफहमी के चलते भीड़ ने 5 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, जिसमें एक महिला भी शामिल है। ये लोग 2 बच्चों को चॉकलेट दे रहे थे। इस दौरान पास के घर में रहने वाली महिला को शक हुआ कि ये बच्चे का अपहरण कर रहे हैं, जिसके शोर मचाने पर भीड़ ने पिटाई शुरू कर दी। दिल्ली के मधु विहार इलाके में कार की चोरी की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। 3 चोरों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश जारी है। गुरुग्राम में BAMS की छात्रा से रेप करने की धमकी और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पीड़िता का आरोप है कि एक शख्स लगातार उसे धमकियां दे रहा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। कन्नौज जिले में अर्धनग्न अवस्था में एक युवती का शव नदी के किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। युवती 2 दिन से लापता थी। मुंबई में PhD के छात्रों को हॉस्टल ले जा रही एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 11 छात्र जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि बस की रफ्तार तेज थी, जो बैलेंस खोकर खंभे से टकरा गई। आजमगढ़ में एक तरफा प्यार में सिरफिरे आशिक ने लड़की को जिंदा जला दिया। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसका 75% शरीर जल चुका है। कोलकाता में एक गार्ड पर 2 नाबालिग लड़कियों से बलात्कार का आरोप लगा है, जिसे लेकर लोग सड़कों पर उतरे और पीड़िता को न्याय देने की मांग की। इसके लिए साइन कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 3 जानवरों की जलकर मौत हो गई, वहीं परिवार के 3 लोग झुलस गए। मुंबई के भाईखला इलाके में एक चौल में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में 10 से 12 घर आ गए। 6 दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई के चेंबूर इलाके में टैक्सी में बैठने को लेकर हुई मामूली से विवाद में एक शख्स की पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद क्राइम ब्रांच की मदद से पुलिस ने 4 आरोपी को पकड़ा है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से 3 नाबालिग हैं। वाराणसी में एक फर्जी अधिकारी दबोचा गया है। ये शख्स यूपी बिहार और झारखंड सहित कई अन्य प्रदेशों के युवाओं को अपने जाल में फंसाकर सेना में नौकरी दिलाने का झांसा देता था, जिसके नाम पर ये 5 लाख रुपए वसूलता था। लखनऊ के वजीरगंज में एक हनुमान मंदिर से चोर भगवान के मुकुट और गहने चुराकर फरार हो गए। चोरी की ये वारदात मंदिर में लगी CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने मंदिर के पुजारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और CCTV को कब्जे में लेकर चोरों की तलाश कर रही है। पटना से सटे नौबतपुर में एक प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका से विवाद के बाद खुद को गोली मार ली। प्रेमी लगातार प्रेमिका पर भागने का दबाव बना रहा था, जिससे इनकार करने पर आशिक ने खुदकुशी कर ली। IPL के 41वें मैच में मुंबई इंडियंस ने KKR को 102 रनों से बुरी तरह से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में KKR की टीम 108 रनों पर ऑल आउट हो गई।
मुंबई की ओर से ईशान किशन ने धमाकेदार पारी खेली। ईशान ने सिर्फ 21 गेंदों पर 62 रन ठोक दिए, जिसमें 6 छक्के और 5 चौके शामिल थे। ईशान को शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। ईशान के अलावा रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने 36-36 रनों की पारी खेली। वहीं कोलकाता की ओर से कोई भी बल्लेबाज कमाल नहीं कर सका। मुंबई इस जीत के साथ पॉइंट्स टैली में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं केकेआर पांचवें पायदान पर खिसक गया है। टैली में हैदराबाद पहले और चेन्नई दूसरे स्थान पर बना हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी बेटी जीवा के साथ अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में धोनी के लगातार कामयाबी का शुक्राना अदा किया, जिसके बाद साक्षी ने पुष्कर का रुख किया और पूजा अर्चना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग की मुलाकात के सस्पेंस से जल्द ही पर्दा उठ सकता है, इस बात का खुलासा खुद ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने कहा है कि 3 दिन के अंदर मुलाकात की जगह निश्चित कर दी जाएगी। ट्रंप और किम की मुलाकात से पहले अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पे ने किम जोंग से मुलाकात की। ये मुलाकात नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में हुई। ट्रंप के साथ मीटिंग से पहले इस मुलाकात को बेहद अहम बताया जा रहा है। ईरान से न्यूक्लियर डील से हटने के बाद आलोचना झेल रहे ट्रंप अभी भी अपने फैसले पर कायम हैं। इस बीच व्हाइट हाउस ने एक बार फिर ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की बात कही है। मलेशिया में पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने जीत का दावा किया है, जिसके बाद महातिर के समर्थक सड़कों पर उतरे और जमकर जश्न मनाया। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।